नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार शहर में राजस्व विभाग, नगर पालिका, जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से चाणक्यपुरी कॉलोनी में निर्वाचन शाखा की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अतिक्रमण धारकों को पूर्व में नोटिस दिए गए थे, उसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, अतिक्रमणधारियों ने विरोध भी किया। उन्हें सामान निकालने का समय दिया गया, उसके बाद जेसीबी से पक्के दो मकानों का निर्माण को तोड़ा गया। कार्रवाई में एसडीएम दीपाश्री गुप्ता, तहसीलदार विनोद राठौर, नगरपालिका सीएमओ निशिकांत शुक्ला सहित नगरपालिका व राजस्व के कर्मचारी, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि 1000 वर्ग फीट जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। तकरीबन यह जमीन 60 लाख रुपए की है। चाणक्यपुरी स्थित निर्वाचन आयोग की ईवीएम मशीन रखने के गोदाम पर दो परिवारों के द्वारा कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया गया था। करीब 1000 वर्ग फीट जमीन पर यह पक्का निर्माण कर रखा था, जिसे विभाग ने अतिक्रमण मुक्त करवाया है। जमीन की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर।